Okay, good morning, students. Yesterday we started a new concept, that is a string. और कल मैंने ये भी डिस्कस किया था, स्ट्रिंग इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग इंट एक्स इज इक्वल टू 10, हियर द वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू. ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास एक फ्लोट है, आई एम गिविंग एक्स इज इक्वल टू 10.5, तो ये फ्लोट वैल्यू है. ऐसे ही अगर हमारे पास एक बुलियन वैल्यू अगर हम दे रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज अ बुलियन वैल्यू. बट इन दिस केस सिंगल वैल्यू इज हियर, सिंगल वैल्यू इज हियर, सिंगल वैल्यू इज हियर. बट स्ट्रिंग इज ए डिफरेंट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, suppose I am taking here name and then I have given a name Amrit. Now here total 5 values are here. ठीक है, E M R I T as a name, this is a combined. अगर मैं नेम कह रहा हूं तो ये कंबाइंड है, बट इन रियलिटी दिस इज ए कलेक्शन ऑफ टोटल 4 वैल्यूज इन स्ट्रिंग. इवन इन द केस ऑफ लिस्ट और टपल, हमारे पास इंडेक्सिंग होती है. इंडेक्सिंग मींस पोजीशन. क्लियर, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन दिस केस 0, 1, 2, 3, 4. In the same time, here is -5, -4, -3, -2, -1. So if I am using name, here is 2. It means it will print R. It means here I will have to use square bracket. ठीक है, मुझे कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है? Square bracket. And inside the square bracket, I will use the index position. ठीक है, then if I am using here name 4, it display T. But if I am using here name -2, it's I. So I can use positive or negative, both type of indexing. So yahan pe hamare paas answer aa jayega I. After that, we discussed another feature of your string, slice. Slice हमारे पास है a piece, a letter piece from a string. या आप इसको सब स्ट्रिंग भी कह सकते हो. तो हमारे पास सपोज मैंने यहां पे लिखा है नेम वन कॉलन 3. इट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 1 अप टू इंडेक्स 2. एक स्टेप लास्ट में से एक स्टेप पीछे रखना है हमेशा आपने. लास्ट हमारे पास क्या है, एंडिंग क्या है 3. इसका मतलब एंडिंग हमारे पास जाएगी 2 तक. ठीक है, तो इसका मतलब ये है इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 1 एम इज हियर एंड इंडेक्स नंबर 2 आर इज हियर. तो आंसर इज एम
ये स्लाइसिंग है। तो इन केस अगर हमारे पास कुछ और वैल्यूज भी होती यहां पे, हियर इज 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग जहां पे चेंज हो जाती, नाउ इन केस योर इंडेक्सिंग इज 3:8 स्टार्टिंग फ्रॉम 3 बट लास्ट वैल्यू इज, लास्ट इंडेक्स इज 7, तो 3 to 7 तुम्हारे पास आई टी एस एच ए स्लाइसिंग में आना था। Is it clear? But in case here, if you are taking third parameter, colon 2, it means now here is a gap of, otherwise there is a next element here, one increment. Yahan pe increment kitna ka lag raha hai? 2 ka. Iska matlab we third index, then 5 index, then 7. 7 के एक्सीड नहीं जाना क्योंकि लास्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 7 इंडेक्स है, तो इट विल शो आई, देन 5 के ऊपर है एस, देन 7 के ऊपर है ए। क्लियर? यस सर, कैसे? देखो देखो यहाँ पे हमारे पास 3, अगर 1 का गैप होता तो 4 होता, अब 2 का गैप है, 3 + 2 इट इज 5, 5 + 2 इट इज 7 ठीक है। नाउ इन केस मैं यहां पे दे रहा हूं -8:-2 तो -8 ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग इज -2, बट रिमेंबर वन थिंग, वन स्टेप बैक इट विल बी अप टू -3, तो हमारे पास इसके वैल्यूज हैं आई टी एस एच ए आर, तो यू कैन यूज इन नेगेटिव इंडेक्सिंग इन द केस ऑफ स्लाइसिंग, बट problem is here, in case I am using here starting -2 closing -8, but look at here, now my starting is -2, ending is -8 means one step back -7, but when I will implement this there will be no any result. Reason is, by default, there is an increment. It means it will go forward. So if we want to bring it backward, in back direction, I will have to use -1. Now it will display M R A H S T. देखो बेटा, हमने अगर -2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ नहीं आ सकता ठीक है, तो अगर हमने बैक में लेके आना है इसको, तो यहां पे हमें -1 देना पड़ेगा, अगर -2 देंगे गैप ऑफ 2 ठीक है, हियर इज -2, -4, -6 लाइक दिस। Clear? Now, this is very important. M.
कैसे? नहीं, पहले एम आएगा ना, एम आर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करते हुए, तो वो एम पहले करेगा, देन आर, देन रिवर्स ऑर्डर में करेगा, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, यस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? पूरी स्ट्रिंग रिवर्स, ओके। हियर विल बी ए एम आर ए एस एच ई आई आर एम ए, क्लियर? पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। शॉर्टकट कह सकते हैं उसको, क्योंकि हमने कोई लूप नहीं लगाया, पर हमने स्ट्रिंग रिवर्स कर दी। एनी डाउट हियर? क्लियर हो गया? ठीक है, दिस इज, तो राइट डाउन, दिस इज, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इफ द आउटपुट इज नेम इज इक्वल टू अमृत शर्मा एंड इफ आई एम यूजिंग दिस, आउटपुट विल बी अमृत शर्मा इन रिवर्स ऑर्डर। राइट डाउन दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट बेटा? किंजल, एनी डाउट? नो सर। हाँ, ये हो सकता है, ये देखो इधर, अगर मैं लू यहां पे नेम स्टार्टिंग फ्रॉम टू एंडिंग विद माइनस थ्री, तो टू इज हियर एंड माइनस थ्री मीन्स माइनस फोर, तो ये वाला ब्लॉक डिस्प्ले होगा, ठीक है, आर आई टी एस एच ए, क्लियर? तो वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट रिमेंबर वन थिंग, इफ योर एंडिंग इज मोर देन स्टार्टिंग, यू विल हैव टू यूज माइनस वन, यहां पे माइनस वन पे यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। सो दिस इज योर स्लाइसिंग। अदर टॉपिक इज, इन केस ऑफ योर स्ट्रिंग वी कैन यूज सम ऑपरेटर्स। फर्स्ट, अर्थमैटिकल ऑपरेटर। हियर वी कैन यूज ओनली टू ऑपरेटर्स, प्लस एंड इनटू। प्लस मींस कंकैटिनेशन, ज्वाइनिंग, वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, ठीक है। सपोज मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, वन स्ट्रिंग इज गुड, अनदर स्ट्रिंग इज मॉर्निंग, एंड व्हेनेवर वी विल फाइंड एक्स प्लस वाई, इट विल गिव अस गुड मॉर्निंग, क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन, ज्वाइनिंग, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं, उसको कंकैटिनेट कहते हैं, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग इनटू साइन, ठीक है, यहां पे हमने दे दिया सपोज टू इंटू एक्स और एक्स इंटू टू, तो इट विल रेप्लीकेट, मींस हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज गुड, तो टू टाइम गुड विल बी डिस्प्लेड, ठीक है, ऐसे आएगा आंसर। क्लियर? सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द केस ऑफ इनटू वी कैन यूज वन स्ट्रिंग इन अदर इंटीजर वैल्यू। मैं अगर यहां पे एक्स इंटू वाई करूंगा, इट विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, क्योंकि x की वैल्यू स्ट्रिंग है, y भी स्ट्रिंग है, तो बोथ वैल्यूज आर स्ट्रिंग, सो इट विल गिव अस एरर मैसेज। क्लियर हो गया? तो और अगर आप प्लस यूज कर रहे हो, कंकैटिनेशन यूज कर रहे हो, तो वी नीड बोथ स्ट्रिंग्स। इफ वी आर यूजिंग x प्लस फाइव,
इट विल नॉट गिव अस रिजल्ट, क्योंकि x क्या है, स्ट्रिंग, एंड हियर 5 इज ए इंटीजर, सो इट विल गिव अस एन एरर. नाउ हियर इज दिस इज अर्थमेटिकल ऑपरेटर. We can also use a relational operator. In chapter operators, we discussed a relational operator greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. These are relational operators. Okay? So they compare two values and give the result in true or false. Okay, suppose my marks is 80, so aur aapne lagaya marks greater than 40, answer is yes, because my marks is 80, it is greater than 40, answer is true. Okay, so these are relation operator. But whenever I am using relation operator with string, what will be the result? Okay, how the result will be calculated. So look at here. If I am using A greater than B, greater than capital A. Now tell me, what will be the result? False. Okay. But here it will show true. Result is true. Why true? Now it will be a computer never do any mistake. So galti hame lagi hogi. So computer kya karta hai beta? ASCII code mein comparison karta hai. A ka ASCII code hota hai 97 greater than, or capital A ka hota hai 65. 97 is greater than 65, yes. तो स्मॉल अल्फाबेट्स का ASCII कोड हमेशा ज्यादा होता है. स्मॉल बी का होता है 98, कैपिटल बी का होता है 66. स्टार्टिंग एक बार देख लो, ए का स्मॉल ए का 97, तो स्मॉल बी का क्या होगा 98, स्मॉल सी 99. ठीक है, और अगर कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का, कैपिटल कैपिटल ए का होगा 65, तो कैपिटल बी 66, ठीक है, कैपिटल सी 67, लाइक दिस. ठीक है, तो हमेशा कंपैरिजन होता है ASCII कोड में. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन स्ट्रिंग्स आर गिवन देयर, कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ ASCII कोड. अब प्रॉब्लम ये है, now tell me, I am using here AB greater than AB. So अब आप कहोगे कि capital A is there, capital A is there. ठीक है, both are capital A. But what will be the answer? So here answer is false. Reason is, after comparing first element, if it is equal, it is matched, it go to the second character. Here second character B, ASCII code is 66. Here second character is small b, ASCII code is 98. So we are saying 66 is greater than 98. Answer is false. Clear? So this is your comparison operator. We can use double equal to, we can use greater than equal to, less than equal to, different operator we can use. In a practical lab, you can implement this concept better. Any doubt here? Now the third operator, is not is, इसे कहते हैं identity operators.
आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारी इक्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं सपोज ए इज अमृत, तो ये फॉल्स आंसर देगा क्योंकि इसमें स्मॉल ए कहीं पे भी नहीं है। इन केस यहां पे कहीं पे स्मॉल केस स्मॉल ए होता तो इसने आंसर क्या देना था, ट्रू, ठीक है। इसका ऑपोजिट है नॉट इज, तो हम कह रहे हैं ए नॉट इज हियर दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें तो ए है तो उसने आंसर देना था फॉल्स अगर हम नॉट इज यूज करते। ओके क्लियर फ्रेश, अगर हम यूज करते ए इज हियर, मैं अमृत वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए चेक करना है स्मॉल ए कहीं स्ट्रिंग में तो नहीं है, है, ठीक है। तो इसलिए इसका इसलिए आंसर देना था ट्रू। अब अगर हम यहां पे टू कैरेक्टर्स लिखते ए आर इन इज ए आर ए ए आर आई टी, ठीक है। अब ये देखो कम ए के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, तो आंसर क्या आना था ट्रू। अगर हम यस, हाँ इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर लिख देते कैपिटल में, अब इसने फॉल्स आंसर देना था, दोनों इकट्ठे होने चाहिए, कंटिन्यूटी में होने चाहिए, क्लियर। सो दीज आर ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने प्लस सिंबल then into sign हमने discuss किया, then we discuss greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, then we discuss is and not is। In order to find out the length of a string, length of a string means number of characters in a string, there is a length function. Here, if I am typing here ABC, I can use small double quotes or single quotes, kuch bhi use kar, ha double quotes start ho rahe hai, single quotes mein close kar rahe ho, it will generate error, so it will give us 3, theek hai। So in for your half yearly exams स्ट्रिंग इज अप टू स्लाइस ऑपरेटर्स एंड स्लाइस तक, ठीक है। उसके आगे के जो पोर्शन है वो हमने आफ्टर एग्जाम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेंथ फंक्शन, हाँ, क्योंकि इसमें और भी कई फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में, पर क्योंकि अब आपके पास रिवीजन, क्योंकि अभी साइंस वालों ने आज शुरू करना है स्ट्रिंग, ठीक है। इनकेस अगर कोई चेंज, अदरवाइज हमने जो डिसाइड किया यहां तक है, ठीक है। एक और हमने कल प्रोग्राम किया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, आई गिव वन स्ट्रिंग वेरिएबल str, इफ आई एम यूजिंग योर फोर I in str, str is a string, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, there will be no, there is no any issue, ये class ऐसे भी use कर लो तब भी work करेगा, ठीक है। तो इसका meaning क्या है इसका, जब हम loop में ऐसे use करते हैं, तो I will take how many character in this length of the string is 1 2 3 4 5 6 7, so 7 time loop will be executed, every time I will take one character, theek hai। First time I ki well I mein aa jayega c, next time l, fir a aayega, fir s aayega, fir s, then x, then I capital। Aur agar hum yahan pe print kare, print I, so you will get result like this, okay। Now you can also apply different functions on the in this loop, we can change the logic,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फाइंड आउट करना है इसमें कैपिटल लेटर कितने हैं, देर आर टू कैपिटल लेटर्स, अगर हम सी बी कैपिटल में ज्यूम कर लेते हैं देर आर थ्री कैपिटल लेटर्स, तो हमने फाइंड आउट करना हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स इन द लिस्ट। टेक वन वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन इफ आई, आई में क्या आ जाएगा कैपिटल सी फिर स्मॉल एल, तो हमने कंपेरिजन करना है इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड आई लेस एन इक्वल टू कैपिटल जी, तो अगर वो इस रेंज के बीच में है तो कैपिटल लेटर ही है ना, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया x में इंक्रीमेंट कर दिया x इज इक्वल टू x प्लस वन, और लूप के बाहर x को डिस्प्ले कर लो, तो x में कितना इंक्रीमेंट होगा, एक यहां पे इंक्रीमेंट होगा, एक यहां पे इंक्रीमेंट, एक यहां पे इंक्रीमेंट, तो इट विल गिव अस 3, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि कितने कैपिटल लेटर्स हैं यहाँ पे, क्लियर। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट स्मॉल अल्फाबेट्स तो इट विल गिव अस स्मॉल अल्फाबेट्स, हाउ मेनी स्मॉल अल्फाबेट्स आर 1 2 3 4, आंसर इज 4। इफ आई एम यूजिंग हियर 0, हियर इज 9, इट विल गिव अस 0, इट विल गिव अस द डिजिट्स यूज्ड इन दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने कितने डिजिट यूज किए हैं, तो यहां पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर इज 0। यस सर, अब सुनो बेटा, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया a स्मॉल g, इसका मतलब अगर i की वैल्यू a से लेके स्मॉल g के बीच बीच में है, a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, c भी, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f, ये स्काई कोड हो गया ना बच्चे, ये 97 हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसमें 26 ऐड कर दो, ये 120 अप्रोक्सीमेटली 122 के आसपास ही होगा, ये एग्जैक्ट नहीं करो क्योंकि इसकी स्काई कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो स्काई कोड में कंपेरिजन कर रहा है, अगर आई की वैल्यू ये जो वैल्यूज है इस रेंज में आ रही है तो इंक्रीमेंट लगेगा, इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, आपने क्या करना है इसकी जगह शॉर्टकट क्या लगा सकते हो, आई डॉट, ठीक है, इज लोअर, अगर ये लोअर है आई डॉट, आई में जो वैल्यू है फर्स्ट कैपिटल सी है, नो, स्मॉल एल, यस, तो एक्स में क्या कर दिया आपने इंक्रीमेंट लगा, तो ये फंक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है, देन स्मॉल ए फिर से इंक्रीमेंट लगेगा, स्मॉल एस फिर से इंक्रीमेंट लगेगा, स्मॉल एस फिर से इंक्रीमेंट लगेगा, कैपिटल एक्स नो, कैपिटल आई नो, तो देयर इज अ इज लोअर, अगर आप आई, आई मीन्स ये वेरिएबल, ठीक है, आप यहां पे इज अपर यूज कर सकते हो, आप यहां पे इज डिजिट यूज कर सकते हो, सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है, ये हमने आफ्टर एग्जाम्स, देयर आर डिफरेंट योर इनबिल्ट फंक्शंस आर देयर, तो वी हैव डिस्कस हियर ओनली 3, 1, 2, 3, ठीक है, तो हमने डिस्कस किए, तो आफ्टर एग्जाम्स वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द इनबिल्ट फंक्शंस, तो इन दिस चैप्टर देयर इज ओनली इनबिल्ट फंक्शंस आर लेफ्ट, ठीक है, एनी डाउट हियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, बेटा एनी डाउट इन दिस बेटा, नो सर,